नमस्कार मित्रों, प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे चैनल विपुल गरयुवा संखनाथ में। आज हम बात करेंगे गोमूत्र, गोजरण और गोमाता से क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गो महिमा स्वास्थ्य अमृत। कर्ण शूल तथा मवाद निकलने पर क्या करना चाहिए? चार चार बूंद गोमूत्र दिन में दो बार कान में डालने से कान का दर्द मिटता है। कान में मवाद आता हो तो गुनगुने गोमूत्र से दिन में दो बार कान धो लें, थोड़े ही दिनों में कान में मवाद आना बंद हो जाएगा। तो कान में मवाद आता हो तो आप ये प्रयोग जरूर करें, मैंने भी करा था, मुझे बेनिफिट हुआ। मलावरोध, पेट में कब्ज रहती है तो क्या करें? 50 मिलीलीटर गोमूत्र यानी गाय का पेशाब, गोमूत्र आजकल उसको शुद्ध करके गोजरण बनाया जाता है, गोमूत्र को देसी गाय का ये झरण होना चाहिए। 50 मिलीलीटर गोमूत्र में चार चने जितना गुड़ मिलाकर पिलाने से कब्जियत, सिर भारी रहना, सुस्ती आदि लक्षणों से छुटकारा मिलता है। गर्भाशय में गांठ होने पर क्या करना चाहिए? गर्भाशय की गांठों का ऑपरेशन करवाकर जिंदगी भर व्यथा भोगने की आवश्यकता नहीं है। 50 मिलीलीटर गोमूत्र में भृंगराज का 25 मिलीलीटर रस मिलाकर सुबह शाम पिलाने से गर्भाशय की गति मिटती है। आवश्यकता हो तो यह प्रयोग 6 महीने तक चालू रखें। सूती का रोग, प्रसूति के बाद होने वाले इस रोग में एक बार व्याधि क्वाथ में 25 मिलीलीटर गोमूत्र मिलाकर 7 दिन तक पिलाने से रुग्ण अवस्था स्वस्थ हो जाती है। एक क्वाथ है जिसका नाम है देवदार व्याधि, 25 मिलीलीटर गोमूत्र मिला लें इसमें और 7 दिन तक इसको पिलाएं तो आपका ये रोग दूर हो जाएगा। दाद खाज खुजली बहुत परेशानी कर देता है, दाद खाज खुजली में क्या करना चाहिए? प्रभावित अंग पर गोमूत्र से मालिश करें तथा नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करें। बड़ा सरल सा प्रयोग है, इतने सारे पैसे खर्च करें तो इतना मनुष्य परेशान हो जाता है, तो ये प्रयोग करें। पेट के रोग, 25 मिलीलीटर गोमूत्र में 3 ग्राम काला नमक व सरसों का 1 ग्राम चूर्ण मिलाकर 4 से 7 दिन तक लेने से अजीर्ण, अफरा, कब्जियत आदि रोगों से राहत मिलेगी। कफ होता हो, सांस फूलना हो, बहुत अमृत है गोचरण, पीना चाहिए सर्दियां जो शुरू हो जाती हैं। 25 मिलीलीटर गोमूत्र में पिपरामून का 1 ग्राम चूर्ण मिलाकर 42 दिन तक सुबह शाम पीने से कफ, खांसी, सांस फूलना आदि से छुटकारा मिलता है। पिपरामून इसमें मिलाना होता है और इसको पीना है 40-42 दिन। बालक की छाती में कफ भर जाने पर क्या करना है? 1 चम्मच गोमूत्र में 1 चुटकी अश्वगंधा मिलाकर सुबह शाम देने से कफ छूट कर निकल जाता है। यह उपचार गांव में प्रचलित है, केवल अश्वगंधा मिलाकर सुबह शाम दे दें तो आपके कफ से शिकायत दूर हो जाए। चर्म रोग का अगर किसी को है तो उसका एक और सरल प्रयोग है, ताजा गोबर शरीर पर मले, आधे घंटे बाद गर्म पानी से धो लें, कुछ ही दिनों में खुजली छू हो जाएगी। बेवाइयां हो जाती हैं, फटी हुई एड़ियों पर गाय के गोबर का रस बार बार लगाने से बेवाई की व्याधि समाप्त हो जाएगी। पसीना रोकने के लिए, कई लोगों को बहुत पसीना आता है तो फिर क्या करें? 250 ग्राम गोबर के कंडे में 25 ग्राम नमक मिलाकर पीस लें और कपड़ा छान लें, इस कपड़ छान कर लें, इसको थोड़ा छान लें, इस चूर्ण को शरीर पर मलने से पसीना रुक जाए। पसीना से दुर्गंध आती हो तो कुछ दिनों तक नियमित रूप से उपयोग करें। गाय का गोबर पानी में मिलाकर पतला करके पूरे शरीर पर मलें, तत्पश्चात स्नान करें, इससे बदन का मैल दूर होता है, त्वचा नरम, मुलायम व कांतियुक्त बनती है। जिस किसी ने इसका अनुभव किया है वह रचनायुक्त साबुन का उपयोग करना शायद ही करना चाहेगा, जो ये करेगा वो साबुन यूज ही नहीं करेगा। कील मुहासे हो, बहुत समस्या होती है इस युवावस्था में, बचपन में भी कई लोगों को आ जाते हैं गर्मी के कारण, कब्ज के कारण, तो फिर क्या करें? गाय का गोबर गर्म करके कपड़े में रखकर उसका रस निकाल लें, उसे हल्के हाथों से मुहासे पर मलें, जो मुहासे 2-4 साल तक नहीं मिटते रेविस के प्रयोग से मिट जाएंगे। सफेद दाग, उसमें क्या करना चाहिए? गोमूत्र में बावची यानी बाकुची चूर्ण मिलाकर सफेद दागों पर लेप करने से अथवा गाय के गोबर से दागों पर दिन में 2 बार मालिश करके स्नान करने से दाग मिट जाएंगे। गोमूत्र में क्या करना है? बावची चूर्ण मिलाना है और सफेद दागों पर लेप करना है। टमाटर, इमली, खट्टे पदार्थ एवं लहसुन न खाएं। किसी को माता निकल जाती है जिसको शीतला बोलते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? गाय के कंडे की राख को छानकर पूरे शरीर पर हल्के हाथ से मलें, इससे शीतला का कष्ट दूर हो जाता है। इतना शीघ्र लाभकारी दूसरा कोई उपचार नहीं है, एलोपैथी में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। फोड़ा होने पर क्या करना है? गोबर व गोमूत्र
मिलाकर घोल बनाएं, उसे मिट्टी के बर्तन में उबालकर गाढ़ा करें। फोड़ा फोड़े पर उसका गर्म लेप करके ऊपर रुई रखकर कपड़े से बांध दें। दिन में दो बार यह प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में फोड़ा बैठ जाएगा अथवा उसमें से मवाद निकलकर मिट जाएगा। फोड़े में वैसे नीम की बक्खल भी लगा सकते हैं। नीम की जो मोटी छाल होती है उसको घिसे पानी में सिलबट्टी पर और उसको लगाएं तो उसे ठंडक मिलेगी। हाथ पैरों की सूजन में, हाथ पैरों में मोच आने पर गोबर के कंडे की राख ज्यादा मात्रा में लेकर मोच वाले हिस्से पर रखकर पट्टी बांध दें। सुबह शाम दो बार राख बदलें। दो चार दिन में ही मोच वाली जगह की सूजन व पीड़ा मिट जाती है। तो ये कितना अच्छा प्रयोग है, गाय के गोबर से कितनी सारी चीजें मिलती हैं, ठीक हो जाती हैं। मृत गर्भ का प्रसव करवाने के लिए, कोई बच्चा मर गया हो माँ के गर्भ में ही तो फिर क्या करना चाहिए। दूध देती हुई बछड़े वाली गाय का ताजा गोबर पीस लें, कपड़े से छानकर उसका रस निकाल लें। 10 मिलीलीटर रस में उसी गाय का 50 मिलीलीटर दूध मिलाकर गर्भिणी को पिलाने से 2-3 घंटे में मृत गर्भ बाहर आ जाता है। इससे ज्यादा समय लगने पर दोबारा इसका प्रयोग करें। मृत गर्भ में ऑपरेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त सभी बीमारियों में औषधि प्रयोग के साथ साथ आहार हल्का ताजा सुपाच्य होना आवश्यक है। भोजन में मूंग दलिया लौकी परवल तोरई आदि रहे। मिठाई मेवा खट्टे तले पदार्थ गरिष्ठ भोजन से दूर रहेंगे तो इन सीधे सरल प्रभावी उपायों से सहजी रोगों से मुक्ति मिलेगी। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर हमारे लिए आवश्यक जल धन धान्य औषधियां प्राकृतिक रूप में ही उपलब्ध है। हम उनसे अनभिज्ञ होने के कारण दवाइयों पर अनावश्यक खर्च पैसे खर्च करते हैं। प्रकृति की सुंदर व्यवस्था का सदुपयोग करके हम सदैव स्वस्थ जी सकते हैं। अधिकतर लोग इसका फायदा ना लेकर धन व स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं। तो जो भी आप दवाइयां खाते हैं, दवाइयां खाने की हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर वो उनका असर भी नहीं होता है, उनके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। इसलिए निरापद जो चिकित्सा है गो और सूर्य के जल और पानी, एक वीडियो में बनाऊंगा जल्दी कि दिनचर्या हमारा स्वास्थ्य लाभ के लिए कैसे गुजारनी चाहिए, तो अगला वीडियो आएगा। तो आज इतना ही मैंने आज बात की आपसे, गोमूत्र और गोबर से गाय देसी गाय का होना चाहिए तो क्या क्या लाभ होता है। तो आज का वीडियो यहीं पूरा करते हैं, आपको अच्छा लगा होगा। मुझे लगा कि कुछ जानकारियां जो कि हमारी छुपी हुई हैं मैं फिर से आपके साथ शेयर करूं, ताकि मैं अपनी वाणी का और अपने ज्ञान का सबके लिए सदुपयोग कर पाऊं और आपको एक अच्छी ज्ञानवर्धक बात मिले। नमस्कार। वंदे धेनु मातरम, गावो विश्वस्य मातरम, गाय पूरे विश्व की माता है। ओम ओम ओम। तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।